Today we are learning English subject in a class of their own part 1. आज हम in a class of their own के दूसरे वीडियो में रीडिंग करेंगे. पहले वीडियो में हमने ओपिनियन पोल का टास्क लिया था. पार्ट वन. वी आर अ क्लास ऑफ 60 गर्ल एंड बॉयज एंड वी आर ऑल फ्रेंड्स. हमारी क्लास में कुल 60 बच्चे हैं, लड़के लड़कियां मिलाकर हम सभी आपस में दोस्त हैं, मित्र हैं. ऑफ कोर्स इट्स ट्रू दैट देर आर कैंप्स अमंगस्ट अस एंड सम टाइम वी डू हैव क्वारल आर्ग्यूमेंट फाइट एवरीथिंग बट when it comes to facing others, even the teachers, we are all one. We face them together. If you see a whole class being made to make 3 rounds of the school ground or copy 100 lines from the book as a punishment, it is most probably us. But we do not tell tales about anyone, girl or boy. We take the punishment as a class. And guess what happened this year? हमारी क्लास जो है एकता के लिए मानी जाती है. किसी से लड़ाई भी करना हुई, कोई समस्या का सामना करना हुआ, तो हमारी पूरी क्लास एक साथ रहती है. बताया गया है कि हमें कोई पनिशमेंट अगर दिया जाता है तो क्लास में कोई एक दूसरे की शिकायत भी नहीं करता और वो पनिशमेंट पूरी क्लास स्वीकार करती है. लेकिन अब इस साल क्या हुआ? एंड गेस व्हाट हैपेंड दिस ईयर. वी वेयर यूज टू टीचर्स शाउटिंग एट अस फॉर पुअर मार्क्स, सेवी वर्क, कंप्लीट होमवर्क, इनकम्प्लीट होमवर्क, नॉट अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली एंड ऑल द अदर थिंग द टीचर्स वरी अबाउट, बट वी डिडंट माइंड. It made no difference to us. We all liked our class the way it was. We were in fact quite proud of our class. And so was our new class teacher, Mrs. Desai. She said so in the very first period. She said, "I have heard about you people from your last year's teacher." तो इस क्लास इस साल जो नई टीचर थी वो मिसेज देसाई थी और उन्होंने पहले ही पीरियड में हम सबसे कहा कि मैं तुम लोगों के बारे में पिछली कक्षा में जो तुम्हारे क्लास टीचर थे उनके द्वारा सुन चुकी हूँ. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. हमें तुम सभी पर गर्व है. यूनिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी. एकता एक महत्वपूर्ण गुण है. And you must always maintain it. और तुम्हें उसको हमेशा बनाए रखना चाहिए. I am very happy to be your class teacher. मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं तुम लोगों का क्लास टीचर हूँ. Did you notice what she called us? It's very interesting. It's never children. It's always girls, boys, you young people. Or my dear. Our young man, our young lady, you feel so nice when she says, now this young lady will show us how to do it. We all liked her very much. Soon, it was time for the first unit test. फिर धीरे धीरे हमारे पहले यूनिट टेस्ट का समय आ गया. After the test test के बाद we all got ready to receive our unusual share of scolding and punishment. हम सब तैयार थे जो हमें सजा मिलती, पनिशमेंट मिलता, वो सब ग्रहण करने हैं तो हम सब तैयार थे. But when Mrs. Desai come with the progress report card,
शी डिडंट लुक एंग्री। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जब मिसेस देसाई आई तो वो गुस्से में नहीं थी, शी वॉज रेदर क्वाइट, बहुत शांत। शी स्माइल्ड एज यूजुअल, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट। बट हर आईज डिडंट लुक हैप्पी, बट उनकी आंखों से लग रहा था कि वो प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। सी हैंडेड आउट द कार्ड वन बाय वन, उन्होंने सबका रिपोर्ट कार्ड एक एक करके सबको दे दिया। मैंने यहाँ पर सेट फेल इन वन सब्जेक्ट, उसमें बहुत सारे लोग एक विषय में फेल थे और द अदर दूसरे विषयों में फेल थे, कुछ दो विषयों में फेल थे। सम हैड नॉट अपीयर्ड फॉर द टेस्ट, कुछ लोगों ने टेस्ट ही नहीं दिया था। अ फ्यू हैड गुड मार्क इन सम ऑफ द सब्जेक्ट, कुछ लोगों को बहुत अच्छा नंबर मिला था किसी किसी विषय में। वेरी फ्यू हैड डन वेल इन ऑल द सब्जेक्ट, बहुत कुछ ही ऐसे थे जिन्हें सभी विषयों में अच्छा नंबर मिला है। सो दैट्स दैट, शी सेड आफ्टर हैंडिंग आउट ऑल द कार्ड्स, सभी कार्ड्स देने के बाद उन्होंने कहा, सडनली अचानक हर आईज वेर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखों में पानी भर गया। शी डिडंट लेट द टीयर्स, लेकिन वो उन्होंने संभाले रखा, अपनी आंसुओं को उन्होंने बाहर आने नहीं दिया। ऑफ कोर्स शी जस्ट ब्लिंक्ड देम, अपने आंखों को ब्लिंक किया। अवे एंड टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूम गई। आर यू एंग्री विथ अस मैडम, क्या आप हमसे गुस्से में हैं? समवन आस्क्ड, किसी ने पूछा। नो नॉट एट ऑल, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बट परंतु यू डोंट फील प्राउड ऑफ अस एनी मोर, सुष्मिता सेड इन ए लो सॉर्ट ऑफ, सुष्मिता ने धीमी आवाज में पूछा। नो सुष्मिता, मिस्टर देसाई ने कहा, नहीं सुष्मिता, यू आर माई क्लास, तुम सब मेरी क्लास हो। एंड आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू, हमें तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। कम ऑन नाउ, चलो देखते हैं आगे। लेट अस गो बैक टू आवर स्टडीज, चलो अपने अध्ययन की तरफ, पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। टेक आउट योर बुक्स, अपनी पुस्तकें निकालो। वी वेटेड आफ्टर स्कूल एंड टॉक अबाउट दिस, हम आफ्टर स्कूल के बाद हमने इस बारे में आपस में चर्चा की। डिड यू नोटिस व्हाट देसाई मैम सेड, अस्मिता क्या तुमने ध्यान दिया अस्मिता की देसाई मैम की तरफ? आस्क से स्नेहल से पूछा अस्मिता ने। सी सेड आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू, उन्होंने ये कहा कि उन्हें हम पर हमेशा गर्व रहेगा। सी डिडंट से आई एम प्राउड ऑफ यू, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। What do you expect? I said so many of us fail, so many miss the test. इसमें बहुत सारे लोग फेल थे, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट ही नहीं दिया था। How do you expect her to be proud of us? हम कैसे ये सोच सकते हैं कि उन्हें हमारे ऊपर गर्व है, हम सब पर गर्व है, जबकि बहुत सारे उसमें से फेल थे और बहुत सारे ने टेस्ट ही नहीं दिया था। हमें इसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। टुडे वी आर इन ऑफ दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो इज इंग्लिश वर्कशॉप फ्रॉम दिस लेसन पार्ट वन, इंग्लिश वर्कशॉप। नाउ end of my video, thank you.